नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। हमारा सीरीज चल रहा है क्लिनिकल मेट्री अमेरिका का, और उसके आधार पर हम की नोट्स की बात कर रहे हैं। की नोट्स मतलब जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, एक अनकमन पिकुलर चीज़ होता है हर एक दवाई का, जिसमें बहुत जल्दी असर करता है दवाई। वैसे जब भी कोई क्लिनिक में आपका पेशेंट आता है और वो बोलता है सर मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और उसके आधार पर हम उसके टोटलिटी सिम्टम्स लेकर एक कॉमन सी मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं जो कि सिमिलर हो, उसके सिम्टम्स और पेशेंट के सिम्टम्स जब मैच कर जाते हैं एटलीस्ट 3 से 4 सिम्टम, तो उसको सिमिलिमम बोलते हैं। तो उसके आधार पर हम एक दवाई का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होता है। अब की नोट्स का जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ क्लिनिकल मेट्री अमेरिका का, वो इसीलिए बना रहा हूँ, हर एक ऑर्गन का अलग अलग इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए दवाई का सिलेक्शन करना। वैसे एक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम के लिए अनेक दवाइयाँ होती है, लेकिन उनमें से कुछ स्पेसिफिक होती है जो कि बहुत फास्ट काम करती है और स्पेसिफिक होती है। तो जितने भी मैंने सर के ऊपर और पहले भी बताया और आगे भी बताएंगे, जितने भी ऑर्गन्स के हिसाब से जो की नोट्स हैं, चाहे आँख हो, कान हो, पेट हो, उसके हिसाब से बताएंगे, तो उनमें क्या होता है कि जो जो दवाइयाँ पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए बताए वो स्पेसिफिक होती है और बहुत क्विकली काम करती है और हाईली प्रूविंग होती है। ये चीज़ आप अपने जहन में रख लीजिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर ये सिम्टम के लिए तो और भी बहुत सारे दवाएं हैं, सिर्फ ये 2-3 आपने क्यों कहा? तो उसका जवाब ये है कि ये स्पेसिफिक होते हैं, बहुत क्विकली एक्ट करते हैं। दूसरी जो दवाइयां दी गई है जिसको हमने छोड़ दिया है, वो काम करती है लेकिन उनका असर थोड़ा देर से होता है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनली यूज़ होते हैं, या फिर वो क्रॉनिक वे में यूज़ होते हैं जब लॉन्ग टर्म के लिए हम किसी चीज़ को यूज़ करना चाहें किसी बीमारी को। तो आज हमने आंखों के ऊपर जितने भी इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं कवरअप किया है, एलेंस की नोट का टॉप की नोट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप अच्छी तरह से उसको नोट कर लेना, देख लेना जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एलियम सेपा, उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है कौन से चीज़ का? जब हम ठंडा सर्दी जुकाम हो जाता है, आँखों में जलन होता है, जैसे कि धुआं लग गया आँखों में, कैसे होता है, चुभने जैसा, काटने जैसा दर्द, जलन होता है, आंखों को ऐसे ऐसे मंथना पड़ता है, तो ये चीज़ें जो है आंखें लाल हो जाती है, और इस तरह के जो सिम्टम कोल्ड फ्लू में होता है, आप एलियम सेपा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। हर एक दवाई का मैं अलग अलग पोटेंसी बता दूंगा। सर्दी जुकाम के लिए, इस तरह के जो आँखों के सिम्टम के लिए एलियम सेपा 30 आप हर 2-3 घंटे में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1-1 घंटे में भी दे सकते हैं, कम हो जाए तो फिर उसका ड्यूरेशन आप बढ़ा देना, फिर उसको दिन में 2-3 करके आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हाईली इम्पोर्टेंट सिम्टम है आँखों का, वो है उसमें दर्द होना आँखों में, वहाँ पर एक स्ट्रेन पड़ता है आँखों में, और मतलब कारण ये है कि आप छोटे छोटे जो चीज़ करते हैं जैसे कि सिलाई करना, अगर आप सिलाई करते हैं तो सुई में धागा डालना, तो बहुत ही नैरो वे में आपके आँखों में प्रेशर पड़ता है। अगर कंटिन्यूसली आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी आँखों में भी प्रेशर आता है। अगर आप कुछ चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं तो वहाँ पर भी आपके आँखों में प्रेशर आता है। तो इन सारे चीज़ों में 3 इम्पोर्टेंट दवाइयाँ काम करती है। सबसे पहला रूटा, नेट्रोम्यूर, अर्जेंडम नाइट्रिकम, ये 3 दवाई आप रख लेना। रूटा, नेट्रोम्यूर, अर्जेंडम नाइट्रिकम, ये 3 दवाई स्पेसिफिक है इस तरह का जो आँखों में स्ट्रेन आता है, दर्द होता है किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट वे में देखने से। ये पोटेंसी कैसे यूज़ करना है, वैसे ही आप 30 का दिन में 3 करके आप ले सकते हैं इंडिविजुअली। इन तीनों में से भी आप अगर स्पेसिफिक लेना चाहें तो इनमें से जो जो आपके लिए बेटर रहेगा। कैसे, मैंने बताया था, एलेंस की नोट देखिए या फिर बोरिक का इटैलिसाइज लेटर देखिए, एटलीस्ट 3 से 4 सिम्टम अगर वो मैच कर गए आपके सिम्टम के साथ, आप आराम से दे सकते हैं, क्विकली काम करेगा। नेक्स्ट जो आता है आँखों का और एक बेहतरीन सिम्टम है, वो है सनशाइन, धूप जो होता है, सूरज की धूप, लाइट, तेज रोशनी, ठीक है। और तीसरा है तेज़ हवा, तेज़ रोशनी, तेज़ हवा और सूरज की जो किरणें आँखों को बहुत सेंसिटिव लगती है, वो आँखें नहीं खोल सकती। आपने फील किया होगा कि जो लोगों को कंटिन्यूसली चश्मा पहनने का अभ्यास रहता है, हैबिट रहता है, वो लोग इतनी आसानी से सूरज की धूप में नहीं निकल सकते, तेज़ लाइट में नहीं निकल सकते, आँखों में सेंसिटिवनेस फील होती है, आँखें बंद कर लेते हैं जैसे वो सूरज की नौकरी में निकले। उनको अच्छा कब लगता है, ठंडी हवा लगने पर उनको अच्छा लगता है, और जो ठंडा पानी है आँखों में डाले तो भी उनको अच्छा महसूस होता है। ये पर्टिकुलर सिम्टम आपने सुना होगा,
उसका एक स्पेसिफिक मेडिसिन है असारम, ठीक है, असारम करके एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, आप उसको भी दे सकते हैं 30 में 200 में, दोनों में दे सकते हैं। 30 में कैसे देना है, दिन में 3 बार 4 बार करके आप दे सकते हैं 4-5 दिन, फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 बार करके 2 दिन आप आराम से दे देना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आँखों का, जो कि मोस्टली क्लिनिक में आता है, वो है हेमियोपिया का केस। हेमियोपिया मतलब आँखों में आधा दिखाई देना, किसी भी चीज़ को आधा देखना। अगर कोई इंसान आया है तो उसके छाती या पेट से नीचे की तरफ दिखता है, या फिर उसका लेफ्ट राइट में कोई आधा हिस्सा दिखता है, मोस्ट केसेस में उसको नीचे की तरफ दिखाई देता है, या फिर लेफ्ट साइड केसेस में ज़्यादा दिखाई देता है, सीज ओनली लोअर हाफ या फिर लेफ्ट हाफ, तो मोस्टली ये दोनों केसेस आते हैं। और भी केसेस होते हैं लेकिन क्लिनिक में जो ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा केसेस पाई जाती हैं, उनके बारे में बताऊँगा। दो इम्पोर्टेंट है, सीज ओनली लोअर हाफ, सिर्फ नीचे का पोर्शन दिखाई देता है, पेट से नीचे की तरफ या फिर गर्दन से नीचे की तरफ सिर्फ दिखाई देता है आधा हिस्सा, तो उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। सिर्फ बायां वाला हिस्सा उसको दिखता है, दायां वाला हिस्सा उसको दिखाई नहीं देता, सिर्फ लेफ्ट वाला जो लेफ्ट साइड में जो होता है वो लेफ्ट हाफ वाला उसको दिखता है, राइट वाला उसको दिखता नहीं है। तो वो स्पेसिफिक दो मेडिसिन में है, एक है लिथियम कार्बन, दूसरा है लाइकोपोडियम, ये दोनों हमेशा याद रखना। लेफ्ट वाला हिस्सा दिखता है, राइट वाला हिस्सा उसको दिखता नहीं है, ये दो इंपॉर्टेंट सिम्टम है, लिथियम कार्ब और लाइकोपोडियम, इसको नोट कर लेना। पोटेंसी वैसे ही देना है आपको, 30-200 में आप दे सकते हैं। कैसे देना है, 30 को दिन में 3 बार करके आप दीजिए, ज़्यादा नहीं देना, 3 बार करके दीजिए। लंबा समय थोड़ा देना पड़ सकता है, हेमियोपे का जो केस है उसको थोड़ा लंबा समय लगता है, 2-3 महीने के करीब देना पड़ सकता है, तो वेट करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। 30 दिन में 2 से 3 बार दीजिए, 5-7 दिन 10 दिन, फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 बार करके 2 दिन दीजिए। लाइकोपोडियम अगर आप देते हैं तो सुबह का वक्त एक ही बार 200 का 2-3 दिन दीजिए, फिर उसको बंद कर देना। उसके 10-15 दिन के बाद 1 mg का सिंगल डोज दे सकते हैं, चाहे आप लिथियम कार्ब दो या लाइकोपोडियम दो, जो सुइटेबल हो उसका सिंगल डोज, मतलब एक ही बार 2 बूंद देना है, ज़्यादा रिपीट नहीं करना है उसको। आँखों का और एक स्पेसिफिक कंडीशन है, आपने सुना होगा कभी कभी जो पेशेंट आते हैं बोलते हैं, सर मैं जब पढ़ाई करता हूँ, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, खास करके न्यूज़पेपर या फिर किताब जब पढ़ते हैं, तो लेटर वहाँ पे क्या होता है कि मूवमेंट करता है, इधर उधर पलटने जैसा महसूस होता है, या फिर ऊपर की तरफ चलने जैसा महसूस होता है, नीचे की तरफ चलने जैसा महसूस होता है, लेटर्स वो अपनी जगह से हिलने जैसा, सेक होने जैसा, हिलने जैसा महसूस होता है। वो स्पेसिफिक दो केसेस में आप हमेशा इसको याद रख लेना, एक है सिकुटा विरोसा, दूसरा है कोक्यूलस। दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, सिकुटा विरोसा और कोक्यूलस, ये दोनों मेडिसिन में वो मूवमेंट करता है अपनी जगह से, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या टर्न होकर ऐसे दिखता है, तो ये आप हमेशा याद रख लेना, स्पेसिफिक मेडिसिन है। नेक्स्ट जो आँखों का कंडीशन है वो आँखों में धुंधला दिखना, जैसे कि धुआं भरा हुआ चारों तरफ, कोहरे में जैसे पूरा एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान को दूसरे इंसान आप पहचान नहीं पाते, धुएं में पहचान नहीं पाते, पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ, उसका स्पेसिफिक लक्षण है क्रोकोस सटेवा, एक मेडिसिन आता है क्रोकोस सटेवा, उसका स्पेसिफिक लक्षण है। उसको आप कैसे देना है, 200 में आप दे सकते हैं, 30 में दे सकते हैं, 1 mg में भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो तो 1 mg का सिंगल डोज 2 डोज भी दे सकते हैं, या फिर 200 का दिन में 2 बार 3-4 दिन दे सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, या 30 को दिन में 3 बार करके 10-15 दिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्रोकोस सटेवा का। और एक बहुत ज़्यादा क्लिनिकली केस आता है, आपने देखा होगा कि आँखों के जो आई बॉल्स होते हैं, जो आँखों के अंदर आई बॉल्स होते हैं, उनको हम टर्न करके अगर लेफ्ट और राइट देखते हैं तो ऐसे हम आई बॉल्स को टर्न करते हैं, तो वो पेशेंट बोलता है कि सर मैं कभी किसी को अगर कोई किसी कई तरफ लेफ्ट तरफ या राइट तरफ बुला ले कोई, तो मैं ऐसे आई बॉल्स को यहाँ से वहाँ तक ऐसे टर्न नहीं कर सकता, मुझे पूरा ऐसे घूमना पड़ता है, आँखों का जो आई बॉल में घूम मूवमेंट करने की कोशिश करूँ तो मुझे आँखों में दर्द होता है, आई बॉल्स में पेन होता है, और पूरे शरीर को ऐसे करके उसको घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है, हाँ किसने बुलाया, तो उसको ऐसे पूरा घूमना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है, ऐसे वो आई बॉल्स को अपना मूवमेंट नहीं कर पाता। तो ये स्पेसिफिक सिम्टम है, आप याद रख लेना, स्पाइजिलिया का। स्पाइजिलिया में जो न्यूरो पेन होता है आँखों के अंदर, जो ऑर्बिट का जो नर्व्स लगा है वहाँ पर पूरा सीवियर पेन होता है और वो आँखों को मूवमेंट नहीं कर पाता। और एक चीज़ है, और एक स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं क्लिनिक में आई बॉल से रिलेटेड, कि आई बॉल इतना बड़ा महसूस होता है, सूजन भर जाता है उसमें, कि उसका ऑर्बिट जो है उसको बहुत ज़्यादा महसूस होता है, वो सिकुड़ जाता है आई बॉल्स।
आईबॉल्स आई ऑर्बिट के अंदर सिकुड़ जाता है, वो ऐसे मूवमेंट करता हुआ नजर आता है। तो ये स्पेसिफिक मेडिसिन आप याद रखना, दो स्पेसिफिक मेडिसिन है, एक्टिया रेसिमोजा और कोमोक्लाडिया करके जो दो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, कोमोक्लाडिया और एक्टिया रेसिमोजा, इन दोनों को याद रख लेना। आई के जो ऑर्बिट्स है जिसके अंदर आई बॉल्स होते हैं वो बहुत बड़ा महसूस होता है, मूवमेंट करते हैं ऐसे, उसके अंदर आई बॉल्स जो है बहुत छोटा, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा महसूस होता है, और जब भी वो मूवमेंट करता है उसमें दर्द ज़रूर होता है। तो इस चीज़ जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है जो जो मैंने कहा, हाईली क्लिनिकली जो आता है केसेस आमतौर पर, वैसे तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, उसका हमने डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस वीडियोस में, कंजक्टिवाइटिस है, सर्दी जुकाम, आँखों में जो कैटरेक्ट की समस्या है, और भी बहुत सारी सब चीज़ें हैं, एस्टिगमेटिज्म, उसका सारा वीडियो बन चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो पॉइंट्स है हमने छोड़ दिया था, आज के इस वीडियो में मैंने कवर अप किया है, उनके पोटेंसी भी मैंने बताया है। लोअर पोटेंसी 30-200 mm सर ले सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस मैंने हमेशा बताता हूँ उसी के हिसाब से आप लीजिए, बिल्कुल बढ़िया काम करेगा। और ऐसे ही हर एक ऑर्गन के ऊपर हम बात करेंगे, उसके स्पेसिफिक की नोट, जो क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, कौन कौन से केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं उनके बारे में बताऊँगा। ये स्पेसिफिक पॉइंट दोस्तों आपको बहुत कम मिलेगा, जगह पे किताबों में बहुत कम मिलेगा, बहुत आपको सर्च करना पड़ेगा। हमने जो एक्सपीरियंस किया है और उसके अलावा अलग अलग किताबों से जो हमने खोज के एक पर्टिकुलर समराइज्ड वे में इसको प्रेजेंट किया है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप जान लेंगे तो ऐसे जो स्पेसिफिक केसेस आते हैं, बढ़िया बढ़िया केसेस, आप क्विकली सॉल्व कर पाएंगे, और ये चीज़ आपको बहुत कम मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इसको नोट कर लें, वीडियो को आप डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं, आपके जो प्रैक्टिस है उसमें काम आएगा। अगर आपके खुद के ऊपर या अपने घर वालों के ऊपर या अपने दोस्तों में आस पड़ोस में यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। एलोपैथिक सिस्टम में इन जैसे चीज़ों का बहुत ही कम इलाज होता है, बहुत बहुत मतलब 5% के करीब इलाज होता है, और वो सक्सेसफुल भी उनमें से ज़्यादा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी उनका जड़ से ख़त्म कर सकता है उनके जो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, उनको बताइए कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथी ज़रूर इस्तेमाल करें। ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ऐसे जो बीमारियाँ इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, डायनेमिक डिजीजेस है, डायनेमिक मेडिसिन से ही ठीक होता है, सिर्फ होम्योपैथी में ही इसका इलाज संभव है। तो बने रहिए मेरे हर एक वीडियो में, शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं आने वाले दिनों में लेकर आऊँगा। तो बने रहिए मेरे दोनों चैनल्स के साथ, जो ये पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, और जो नया चैनल है उसमें डिजीज़ का सीरीज चल रहा है, बीमारियों के ऊपर अल्फाबेटिकली सीरीज चल रहा है। लास्ट हमने कॉलिक के ऊपर बनाया था, पेट का जो दर्द है, मरोड़ है, उसको भी आप देखिए, और भी बेहतरीन वीडियोस आएगा। तो जो दोनों चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यूट्यूब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।